देश भर में बकरीद की तैयारियां जोरों शोरों पर, खास करके तेलंगाना हैदराबाद में। कहा जाता है कि सब में ज़्यादा कुर्बानी तेलंगाना में दी जाती है, इसीलिए ना कि तेलंगाना बल्कि देश के कोने कोने से जानवरों के कारोबार करने वाले लोग यहां पर अपने जानवर लेकर बेचने के लिए आए हैं, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक के उत्तर प्रदेश, कश्मीर से तक भी लोग अपने जानवर यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं। रमज़ान की ईद की तरह बकरीद का भी हर धर्म के लोग काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। उसकी कई वजह है, जैसे कि कई लोग अपने जानवर बेचते हैं, कोई लोग अपना चारा और घास बेचते हैं, कई लोग मजदूरी के ज़रिए बकरीद का फ़ायदा उठाते हैं, कोई लोग ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए फ़ायदा उठाते हैं, और वैसे भी कसाईयों की तो बकरीद में काफ़ी डिमांड होती है। और इसके अलावा सब में बड़ी वजह है, बकरीद का एक उसूल होता है, कुर्बानी देने के बाद उस जानवर के तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा वो खुद रखते हैं, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार और पड़ोस में बांटते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, और इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा होता है वो आसपास के गरीबों में बांटा जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। तो इसीलिए हर गरीब और आसपास के लोग रहने वाले हर कोई काफ़ी खुश होते हैं इस त्यौहार से। ब्लॉग नहीं है भाई, चैनल है। आप फोन निकालो। हाँ न्यूज़ है आपको भी लेना। बेहतरीन बकरा, बेहतरीन 24,000-26,000 में जोड़ी है, किले नंबर 50 के सामने, कभी भी आगे लेके जाइए। Vamos a ver.
रहे हैं। Thank you.
हमारे फोटो के बगैर नहीं आता भाई। सुपेटो एरिया ये शिरोही वाले देखो बना पचास नंबर फिगर के सामने डालो न्यूज पे खस्सी बाकरे खस्सी मेहंदे अच्छा राजस्थान का माल आया शिरोही गुजरी शिरोही नसल है 55 की थोड़ी है 50 नंबर जिला सुजानगढ़ चिंग जिला आ जाओ आ जाओ लेके जाओ।